धन्यवाद। बहुत अच्छे। धन्यवाद प्रिय श्रोता बंधुओं, मैं लोग गीत विरह गायक मेवालाल कन्नौजिया दैया डी का ही भीटी अम्बेडकर नगर। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री राम धीरज यादव के चरणों में नमन वंदन करता हूं और मैक्स आभार मैक्स कैसेट कंपनी के माध्यम से ये गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका सम्मान मिलेगा। तो आइए गीत की तरफ आप सब चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुर देखिए चरण कमल बंदो गौरी गणे बंद हूं पुनि शंकर सुवन जे जे भारत दे विघ्न विनाशन गजानन भय हरी गिरिजा सुमन गणपति जय गणे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी बिहारी मंगल करण दुख हरण जय दिने उमाय और रमायंबे जगदंबे काली अरे रण चंडी दुर्गे नमन जय सुरे लेखनी समार दे निहार दे मासार दे मासार दे राम धीरज बेगाना जय जय भारत दे देखें बाबू जी नजदीकी एक कांड आपके बीच में पेश कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी जी चार लाइन भूमिका में इशारा करते हैं मास्टर कहना है आए कली पर भौरा रो बड़ा प्यार भर के अरे जब माली चमन का बना था दीवाना खिल करके बगिया बहोर ना पाई तो बेदर्द जाली में बना था जमाना गम में अंबर धरा भू धरा में दनी अरे चांद सूरज को भी मुस्कुराहट नहीं भोर अन्याय कलजू की तहरीर है अरे लिखने को कभी कलम की इनायत नहीं भैया आए दिन एक से एक
गमगीन घटना घटत बा। पेपर के माध्यम से आप सब, टीवी चैनल के माध्यम से आप सब सुनता हाओ जानकारी बा। और इसी तरीके से एक घटना आपके बीच बा। कभी जी एक लाइन के तर्ज रखे हैं, कव्वाली के तर्जबा मास्टर कहना है, आए अरे रोवे दिशा, अरे भाई रोवे दिशा चहूं और क्या कर, तार हो गया खुद गर्ज बन गया है। तरज रहा लेकिन कभी जी विरह के अंदर बड़ा सुंदर भाव डाले हैं बाबूजी। कहना अम्बा, अरे जिसको नहीं, अरे भाई जिसको नहीं है आह वो बेदर्द बना है, कर्ज बना है। बोतल को पी कहानी कहां के बाद केकर बार नजम के लाइन में मास्टर कवि जी इशारा करते हैं, गोरखपुर निर्मस गांव का जगदीश जय सवाल रहा, गोरखपुर निर्मस गांव का जगदीश जय सवाल रहा, चलाता टेम्पो खास सिकरी गंज आवास रहा है। पिसर थे तीन बहू साथ में नूरानी थी, पिसर थे तीन बहू साथ में नूरानी थी, खिली कली थी मगर गुल की रोती नारी थी। सबनम में कांटा कुंज का तैयार हो गया भैया हो तू, सबनम में कांटा कुंज का अरे तैयार हो गया, अरे रब कर बिना सुना ये संसार हो गया। बाबूजी गोरखपुर जिला सिकरीगंज बाजार के बगल में निर्मस गांव का रहने वाला जगदीश जयसवाल अपने तीन बच्चों और अपनी अर्धांगिनी के साथ बड़े सुंदर ढंग से जीवन यापन कर रहा था। ताजी घटना बाबूजी, जगदीश अपने ससुराल का अकेला, ससुर जी के वह एक बिटिया बा और ससुर जी के कमाही में सारा धन इकट्ठा बा। सोचे कि जगदीश के पास कोनो खेती बार के व्यवस्था ना बा, पैसा आवे के कोनो स्रोत ना बा, तो पैसा धई के का करब, वही बेटवा हमार, वही हमार दमाद बेटवा है। जगदीश बदे बाबूजी एक टेम्पो लेके दे दे है। और लेकिन जब जगदीश टेम्पो पाए जाता है तो आदत देख गड़बड़ होत बा बाबूजी। कहे हैं कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बउराई जग या पाए।
भैया हो। कहना बा जगदीश जब टेम्पू पाई गए आमदनी बढ़ी गए तो होत का बा विदेशिया के धुन बा मास्टर आए धीरे ले गरीबिया अरे टेम्पू खरीदी ससुर दी हले बिदाईया भैया टेम्पू चलावे सूरा गले ते लगावे पापी अरे घरवा मा झंखे भी रही बनी के चिराईया जगदीश के आदत खराब हुई शराब गाजा का सेवन करे लागे बाबूजी और यहाँ तक कि रंडी के कोठों पे जाए लागे। एक दिन ऐसे नहीं आएगा घर में खाना बनावे बदे कुछ अनाज पानी ना तीनों बच्चन के मतारी पड़ोसी के यहाँ से खाना की व्यवस्था कई के लाई के खवाई के सोवाई दे और जगदीश कबो 10 बजे कबो 11 बजे कबो 12 बजे बाबूजी घरे आवत है औरतिया के आभास हो गए जानकारी हो गई जगदीश आदत गड़बड़ बा लेकिन आज आज चाहे जब यही है उनसे हम बतियाब हमार कोनो बात आज किमाड़ा के बहरे के हु सुने ना बा लेकिन आज हमारे पति देवता सुनी है बाबूजी बैठ गए और वो हर से जगदीश गाड़ी लेके शराब में धुत हुई के आवत और डांट करके तो लहनिया का हाथ खबरदार वही पार रहे लेकिन कहना बा बाबूजी एक तर्जबा मास्टर आए अरे सुगना हार हो भैया सुगना हार हो फुलाया कौनी बगिया सुगना लेकिन कभी जी भी रह के अंदर में बड़ा सुंदर भाव डाले हैं बाबूजी। आज डांट करके वो दुल्हन अपने पति को कह रही है का कहा थे मास्टर कि सजना मार हो अरे सजना मार हो गईली तोरी मतिया सजना मार हो जगदीश बाबू अवाक हो गया दुल्हन के आवाज सुन के रुक गए वो सोचत है कि इतनी टाइम ले जागत बा लेकिन अगला बात का कहत है दुल्हन यह कहत मास्टर कि सुख के आधार पिता मोर कई दिहले सुख के आधार पिता अरे सुख के आधार अरे पिता मोर कई दिहले अरे लेकिन सूरा सुंदरी में सैया अरे लेकिन सूरा सुंदरी में अरे पिता वा तहा दिना रतिया सजना मार हो गईली तोरी मतिया जगदीश बाबूजी जब ही बात सुनत बा तो क्रोध में आ गया और क्रोध में उठाई लिया डंडा लेकिन तब तक दुल्हनिया एक बात और बोल पड़ी का कहत है कि जुआ यो शराब मा खराब होई गई ला जुआ यो शराब मा
अरे इतना ही कहते उठाया लाठी और बाबूजी मारने लगा। ए का कहत है कहत है कि सुख के आधार पिता मोर कई दी है हे लेकिन सूरा सुंदरी में अरे लेकिन सूरा सुंदरी में अरे बीतेला दिन रतिया सजना मार हो गईली तोरी मतिया सजना मार हो गईली तोरी मतिया सजना मार हो गईली तोरी मतिया सजना मार हो। जब इतनी बात जगदीश बाबू जी सुना तो यो हाथ में लाठी उठा लिया और करत का बा और तब तक ये हर दुल्हनिया एक बात और बोल गई। हाँ। का कहत है कि जुआ यो शराब मा खराब हो गई ला जुआ यो शराब मा और जब मारने लग गया तो हुआ क्या। का कहत है वो दुल्हन अपने पति से अरे होई भलाई ये साजाना अरे होई भलाई कैल मोर दुरागतिया सजना मार हो गई तोरी मतिया आज 12 बजे रात को बाबूजी जगदीश अपने दुल्हन को मार रहा है घर में और बेचारी रोक करके लहू लुहान हो गई जमीन पर गिर पड़ी। और ये हर जगदीश का कहत है कि भागे भाग रे रात्रि की बेला में जगदीश बाबूजी अपनी पत्नी को घर मस निकालत बा कहना बा कि भागे भाग रे छिनारी अब पापिनी पापिन तू मेरे रास्ते की रोड़ा बन गई है। का कहत है कि हमरे डगरिया के रोड़ा बनी गई ली हमरे डगरिया के बनी गई अरे हमरे डगरिया के अरे रोड़ा बनी गई ली तोहरे बाप के कमाही ना खैली तोहरे बाप के कमाही ना खैली तोहरे बाप के कमाही ना खैली भाग भाग रे छिनारी अब पापिनी पतिया बोल रे पतिया बोल रे बिचारी जरा रात्रि की बेला में जगदीश बाबूजी अपने दुल्हन को घर से निकाल रहा है और शराब में धुत है एकदम जाकर के चार पाई पर पड़ गया। अब ये हर मतारी बाबूजी रोत बड़े चिंता में पड़ी है और चिंता में हुई के जाई के अपने तीनों बच्चन को लेके साथ में जगाई के बाबूजी देखा भूत का बा एक थी बड़ा पुरान तजुबा आए कवने करना मारे जोगिया बाबा अरे जोगा वाला हवाले मोरे राम जोगा
बाबूजी, लेकिन आज रात्रि की बेला में उमतारी अपने तीनों बच्चन को लेके देखा जाति कहाँ बा कहना बा किलई के लाला नामा के हर चालाली माया नामा मोरे राम चालाली माया भैले जालिनी हो राम तेरा मनाई हर नगरिया भैले जालिनी हो राम भैया आचरा मेली पता सवनावाया हो राम हे रामा माई कई कर जवा बिहराई हो राम हे रामा माई चरिया आप भी गली हो तीनों बच्चों को लेकर चली गई बाबूजी अपने नैहर पहुंच गई और ये हर जब जग सुबेरा भा तो जगदीश के आंखें खुली और भूख मारा रहा इस नाब जाय के रसोईयम पहुंचाता है तो खाना दाना कुछ हो ना और देखता है लड़कन बच्चन के पता ना बा टोला पड़ोसी से पूछा है कोनो पता है ना बा तब जगदीश जानी गए कि हमसे शायद कोनो गलती होगी शायद उन नहीं हरे चली गई लेकिन देखा कहना बा एक थे तर्ज बड़ा पुरान बा मास्टर आए कोनो नई नई दुल्हन के पति फौज में रहा और बॉर्डर से संदेशा आ गया वायरलेस आई गे बाबूजी और उसका पति सुहाग रात के दिन वायरलेस की बात पा करके खबर सुन करके उस सरहद पर चला गया वही जगह के तर्जबा कहना है अरे छोड़ी गई ले हो पिया सुतली से जरिया पे छोड़ी गई ले रहा बाबूजी लेकिन विरह के अंदर भाव बा कभी जी सारा करते हैं कहना है
जगदीश अपने मन में सोचा थे, चिंता कर थे बाबूजी का कहत है, अरे पिहर गईली हो रूठ हमसे दुल्हनिया, पिहर गईली है उतर नशा पापी मन में पछताया, अरे उतर नशा पापी भैया हो मन में पछताया, और दुल्हन को लेने ससुराल में आया, आज बाबूजी वो बिटिया अपने बाबूजी के पास जब पहुंची थी रात में, सुबेर होए वाला बा, बाबूजी अंदर में सोवर है, कुंडी खटखटाया और जब देखा तह बाबूजी तो बिटिया रोत बा और पैर पर बाबूजी गिर पड़ी, रोने लग गई। ढांढस बताए पिताजी, बिटिया चिंता न करो, हम तो हार कष्ट समझा थे, चिंता न करा, हम सारी बात को समझाते ही बिटिया। आवे द जगदीश का हम उनसे पूछब कि बिटिया के कौन गलती रही जोने के अंजाम बा। भैया हो देखा जगदीश आई के ससुराली पहुंचता है, कहनाम बा उतरा नशा पापी अरे मन में पछताया, और दुल्हन को ले ले ससुराल में आया, ससुर के आँख चढ़ी गई हो रूठ हमसे दुल्हनिया, पिहर गई ससुर जी से प्रणाम किया, लेकिन जवाब कोनो नान बाबूजी। जगदीश कहा बाबूजी, बाबूजी अगर आप जवाब ना देते या तो अगर हमसे कोनो गलती भय हो तो का क्षमा कह दिया, आइंदा इस प्रकार के गलती न हुई। भैया हो कहे बाबूजी सारी गलती को माफ कह दा, हम तो हर लड़का समान है। भैया कहना बा बोले ससुर, कहे बाबू हमसे गलती तो भयन बा, शायद हमका पता ना बा, लेकिन अगर गलती भाई बा तो क्षमा कह के विदा कह दे हमरे साथ में अपने बिटिया का। भैया हो बोले ससुर अभी होगी ना विदाई, लेके ललन पाजी चला गुसी आई, विदाई ना होए बिटिया गए, कहे विदाई ना होए, कहे नहीं विदा ना होए, पहले अपन आदत सुधार ल, कहा आदत तो हमार सुधरी बा बाबूजी, और अपने गलती के एहसास करत है, क्षमा मांगत है, अगर क्षमा ना करता विदाई ना करत है तो हमारे तीनों बच्चन के देदा हम अपने साथ लेके चला जा। भैया हो कहे बिटिया, ए बिटिया इनके लड़के के लायक दे दा, लेकिन मतारी की ममता बाबूजी सागर है, अपार ममता को लिए हुए वह मतारी, आज जगदीश के साथ मां बच्चन के भेजे बदे तैयार ना हो तो बाबूजी। भैया हो वो बिटिया के भाव पिताजी समझ गए, जाए के लगे पहुंचे, कहे बिटिया चिंता न करा, दुइये दिन मां उबी आई के पठाई दई है बच्चन का। तब बाबूजी तीनों बच्चन के उमतारी लायक जगदीश के हवाले करत, लेकिन कहे ना बा बोले ससुर अरे अभी होगी ना विदाई, और लेके ललन पापी चला गुसी आई, ललन पापी चला गुसी आई,
घमंड में है तो हम मर्द है। रह गए तीनों लड़के, ये हमारे रास्ता कांटा है, इनका साफ कह दे। आज बाबूजी जगदीश इंसान से शैतान का रूप धारण कर दो कहना बा। अरे पिए सुरा सुधिया ये भैया, अरे पिए सुरा सुधिया, अरे बिसर गईली हो रूठ हमसे दुल्हनिया, बिहर गईली आज उमतारी छटपटात बा तीनों बच्चन के बदे बाबूजी, बार बार तीनों लड़िकन के याद करत बा चिंता बा। यही जगह कभी जी तेरी के भाव दिए बाबूजी, मास्टर कहना है एक पत्ती चढ़ के। अरे राम बधाई कैसे माँ के भैया हो, बधाई कैसे माँ के ममता, अरे तो कुंजन कली में भौरा लागी दिया लगाई, बधाई कैसे माँ के ममता। बहुत अच्छे। अरे जिया अम्बेडकर नगर के शेर, आज वे मतारी के मन धीरज ना धरत बाबूजी, बार बार बच्चन के याद आवत गया। लेकिन जगदीश तीनों बच्चन के लेके साथ महा जाए के शराब के ठेका पहुंच गए, और एक सीसी पिया, दो सीसी पिया, नशा में धुत बाबूजी, दो सीसी लेके अपने जेब में रख लिया, और बहुत गलत बहुत गंदा विचार अंदर में पैदा हुई। लेकिन देखा होत का बा, मास्टर कहना है। आए कभी जी उन तीनों बच्चन के नाम और उमरिया बताए हैं बाबूजी, पत्रिका से ये प्रमाण मिला है। कहना है अरे संघमा मती निगोला भैया, ए संघमा मती निगोला, लानवा न हो पाजी चला घुसिया, चारे बर्ष का संगम। बड़का लड़का के नाम संगम बाबूजी, जो ने कुमरिया कभी जी चार बरस बताए। चार बरस का संगम तीन पिंटू के उमारिया, अरे चार बरस का संगम तीन पिंटू के उमारिया, और एक बरस का बबलू लाया गंगा की कछारी, अरे कैले ना रहा मानी रे दाइया न हो पाजी चला घुसिया, आपकी नशा में जगदीश तीनों बच्चन के खत्म करे बदे ले जाते गंगा जी के किनारे बाबूजी। लेकिन यहाँ देखें हुआ क्या, अरे सांप गर्द से ला भैया होई जाई दवाइया, अरे आदमी जहरवा के कोई ना उपाया, अरे नैया डुबाला जाले धारा बन हो पाजी चला घुसिया,
तीनों लड़कियों के लेके जगदीश बाबूजी नदी किनारे जाके पहुंच गए और एक सीसी निकाल के और नसम हो जाते हैं। तब तक ये हर देखा पहपट के धुन बा मास्टर कवि जी इशारा करते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। आए अरे विष भरा पापी के बदन मनवा माने ना है। मास्टर एक पत्ती और चढ़ के अरे विष भरा पापी के बदन मनवा माने ना आया पाजी गंगा के दरम्यान मनवा माने ना। गंगा के दरम्यान मनवा माने ना आया पाजी गंगा के दरम्यान मनवा माने ना आया पाजी गंगा के दरम्यान मनवा माने ना। बहुत अच्छे आया पाजी गंगा के दरम्यान मनवा। मदिरा में हो गया मगन अरे मन आगी लगी तूफानी हो और सोचे ला नादान मिटाई कैसे हम जिंदगानी हो। अरे रही निशा में सोई रात की रानी मनवा माने ना और कुआनो के तक जा पहुंचाई अभिमानी मनवा माने ना। बजे रात को जगदीश तीनों बच्चों को लेकर के कुआनो नदी के पास जाके पहुंचा मारने के लिए बाबूजी। लेकिन हुआ क्या, अरे छोटे लाल बबलू को पापी हरे बाहर दिया सुलाई हो और पिंटू और संगम को अपने कंधे पर लिया उठाई हो। अरे रही निशा में सोई रात की रानी मनवा माने ना। ए भैया अरे रो रो लाल अरे रही निशा में सोई रात की रानी मनवा माने ना और कानों के तक जा पहुंचा अभिमानी मनवा माने ना। जब पिंटू और संगम के जगदीश कान्हे पे बैठाई के नदी में जाता है बाबूजी तो बड़का वाला लड़का बोल पड़ा और का कहा था आए लईके ललनवा जल धरवा मगई ले पाजी दान आज अरे माँ बुझई बे बेटवा कहा बाबूजी आप हम भाई के लेकर के नदी में का करे जात है बहुत डर लागत बा बाबूजी भैया हो। जगदीश जवाब का देत बा अपने बेटवा से संगम से यह कहा था कि कहला नदान आज अरे माँ बुझई बे बेटवा अरे गंगा में डूबा के पूरा कर और जब लड़के जान गए कि बाबूजी हमारे हमारे सबका मारे बदे ले जाता है तो रोवे लगे बच्चे कहना बा अरे सिहरे कले जा रोवे हुना हुन बिरनवा बबुआ हुन
अगर ये काम करे हम भैयन के मारे बदे ले जाते हैं तो एक बार माई से मिलाए दा दर्शन कराए बाबूजी। अरे जब हम भैयन के जन्म भाव हुए तमाम तमन्ना कामना आपके अंदर में रही बाबूजी। भैया हो का कहते मुन्ना कि के हो जोड़ा जा माया ब हम हन के पिन्हइए बाबूजी। अरे क्या करस कर बाबा पूछ माया और प्यार भैया हो। लेकिन आज जगदीश पागल हो गया है, तीनों बच्चों को पानी में बीच पानी में ले जाते हैं। लेकिन कहना है जब लड़के जान गए कि पाजी छोड़े ना तो का कहत है बाबूजी। एक निवेदन तुमसे बा का कहे कि एक ही अरजिया हमरे माई से सुनैया बाबू। अरे बचवा तोहार तुमसे कैले पर ना बाबूजी है। एक संदेशा हमरे मतारी से बोल दिया कि मुन्ना तोहार तुमसे नमस्कार के हे बा। ए भैया दुविधा चरनिया हमरो। लेकिन लड़के सोचता है कि जब पागल बना है बाबूजी हमार अपने औलाद के ना जानत है कोनो मोह मोहब्बत ना बा ती कवन संदेशा हमरे मतारी के पहुंचाई है। वहीं से अपने माता जी के नमन वंदन करत है मुन्ना का कहे कि दुविधा चरनिया हमरो माफ कर पदनिया माई। कहमा ये संसार में चाहे जहां हो हम बच्चन के क्षमा कह दे। 9 महीना में कोक महा ढोए तमाम दिक्कत परेशानी सहे हमा। आज ई मुन्ना बहुत बड़ा कर्ज हुई के जात बा। कहना है कि दुविधा चरनिया हमरो माफ कर बदनिया ए माई। अरे यता न कहता फेंका पानिया मझा। अरे पिंटू और संगम को गंगा जी गोंदिया में लिहली। पिंटू और संगम को गंगा जी गोंदिया में लिहली। अरे छोटके लाला नवा कलिया तब उठाए हो। फेंक दिया बाबूजी दोनों बच्चों को और बाहर निकल के आई के बबलू के जो नी एक साल का मुन्ना बा उका सोचता है यही फेंक दे बीच धार में जाके पड़े। भैया हो पंधारी चचा के भाव में कहना है जगदीश करत का है। आए अरे बबलू को फेंका पापी। अरे एकदम लोकाई के और रोवेली खबर मैया लाला ना के पाई के रोवेली। चारों ओर बाबूजी हवोर हो गया गुहार हो गई बाबूजी और तीनों बच्चन के नदीम फेंक के जगदीश बेता सा भागा है। और ये हर सुबेरे दिशा मैदान के समय बा तमाम लोग बाग दिशा मैदान करे आ हैं और जब देखता है तो बबलू कलश या किनारे वाला लागू बा। चारों तरफ हल्ला हो गया बाबूजी गांव गिराव के लोग जुट गए। लेकिन देखें जब ये खबर वह बाप का वह मतारिक मिलतबा तो उन दोनों जने सनपात गए बड़े चिंता में पड़ गए बाबूजी।
और भागा भागा दौड़ा दौड़ा आए नदी किनारे पहुंचे तो देखा तहां भीड़ के अपार मेला बा। भैया संपात के मतरिया भीड़ चीरत निहारत जाय के पहुंचे तो देखत बबलु कलसिया बहरवा निकाले। भैया हो कहना बा उमतारी आज रोई रोई के बबलू के लाश गोदी में लेके का कहत है रोत बा। अरे हाय रे बिरनवा तू कहवा पर आईला, अरे गोदिया हमारी आज सुनी कही गईला। अरे माई अरे रोवली बेजार पाथर छतिया बनाई के रोवली खबर मैया लाला ना के पाई के ये है मैं कैसे का कमाल। भैया हो प्रधान जी थाने खबर कही दे है और थाने से दरोगा साहब अपने पुलिस बल के साथ उस नदी के किनारे पहुंचे लेकिन गीतिया के भाव मास्टर कभी जी इशारा करते हैं। अरे खबर पर पुलिस आई फोर्स तब किनार हो और डाला। भैया प्रधान जी जब खबर दिए थाने पर तो दरोगा साहब से सारा वाकिया बताए दे कि दरोगा साहब सारे इंतजाम के साथ सारी व्यवस्था के साथ आइएगा क्योंकि एक ही लाश मिली है अभी दो लाश गायब है इस नदी में। दरोगा साहब पूरे इंतजाम के साथ बाबूजी नदी पर पहुंचे। कहना बा आए अरे खबर पर पुलिस आई अरे फोर्स तब किनार हो अरे डाला महा जाल लिया लसिया निकाल हो गलाई के रोवली खबर मैया लाला ना के पाई के रोवली खबर आज उस पागल महतारी के बाबूजी एकदम चमन उजड़ गया पागल हो गई बेचारी। बूढ़ा बाप बाबूजी गिरा जमीन पर बेहोश हो गया। दरोगा साहब तमाम लोग बाग से उस महतारी पागल महतारी से आश्वासन देते हैं भरोसा दिलावत है। वास्तव में अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो मुलजिम कहीं भग नहीं पावे बाबूजी। पुलिस पीछे पड़ गई जगदीश के और अंत में हुआ क्या कहना है। आए अरे पकड़ जगदीश को जगदीश भाग ही ना पाए बाबूजी। दरोगा साहब चारों तरफ वायरलेस कह दिए जगदीश पकड़ा गया और अंत में हुआ क्या। आए अरे पकड़ जगदीश को भेजे जेल खानावा। अरे ये सभी कहले भी रही भाईली बेगानावा अरे गांव में वाला लगाना ये सुआ बहाई के। भैया हो अरे गांव में वाला लगाना या सुआ बहाई के रोवली खबर मैया लाला ना के रोवली खबर मैया लाला ना के पाल के रोवली खबर मैया लाला ना के पाल के हो लाला ना के पाल के रोवली खबर मैया लाला ना के पाल के रोवली खबर। और अंत में बाबूजी गुरुघराने का परिचय देते हुए आप सबसे कहना है। आए गुरु बिहारी गुरु रमन रतन लाल स्वर्ग बासी। गुरु बिहारी गुरु रमन रतन लाल स्वर्ग बासी। अरे कलयुग में तुम्हारी लीला अरे कोई जाने हो अविनाशी। राम बधाई कैसे माँ के ममता हे भैया हो बधाई कैसे माँ के ममता। अरे तो एसबी राम सहाय की कविता बरस बरसाई बधाई कैसे माँ के ममता।